अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक पूरे देश में क्या एक बात कॉमन है? जो धुन राम की अयोध्या में सुनाई दे रही है, वही धुन रामेश्वरम में भी दिखाई दे रही है। तो क्या नॉर्थ और साउथ के बीच में अभी तक जो खाई नजर आया करती थी, वो रामलला की धुन ने भर दी है? क्या 2024 में वो होगा जो अभी तक नहीं हो पाया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में भी करिश्मा करके दिखा पाएंगे? हिंदी पट्टी में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू वोटों के साथ साथ मुसलमानों का वोट भी मिलेगा, या मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर चले जाएंगे? 500 सालों का लंबा इंतजार जिन्होंने खत्म कराया, क्या इस बार 400 का बेड़ा पार वोटर्स उनका लगाएंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 24 में क्या बीजेपी साउथ में सरप्राइज करेगी? क्या उत्तर से उठी राम लहर दक्षिण में कमल खिलाएगी? क्या राम के काज में मुसलमान भी मोदी का साथ निभाएंगे? क्या राम लहर इतनी प्रचंड है कि 24 में विरोधी खंड खंड हो जाएंगे? अयोध्या से रामेश्वरम की दूरी 2450 किलोमीटर है, लेकिन राम लहर ने यह दूरी मिटा दी है। नॉर्थ साउथ अब एक ही धुन में मस्त है, और वो धुन है राम नाम की। साउथ में मोदी के लिए भाषा की जो दीवार 24 में आड़े आ रही थी, राम लहर में वो दीवार टूट चुकी है। इसका सबूत तमिलनाडु में मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब है। अब कल्पना कीजिए कि जब तमिलनाडु में राम लहर का वेग इतना तेज है, तो हिंदी भाषी राज्यों में कितना प्रचंड होगा। और इसका 24 में कितना असर होगा? जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 24 में सबसे बड़ा दांव उसी उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा समारोह चल रहा है। यहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 62 जीती थी और 2014 में 71। 2024 में टारगेट 80 जीतने का है। ये 80 कैसे आएंगी, इसका अंदाजा राम विरोधी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि अयोध्या से उन्होंने दूरी बना ली है। अखिलेश, राहुल, मायावती जैसे मोदी विरोधी 20% मुस्लिम वोट, 41% ओबीसी और 19% दलित वोट को गिन रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी 2019 का डेटा भूल रहे हैं। तब यूपी के 72% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, 48% दलित बीजेपी के साथ गए, 8% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला था, जिस वोट को जाति और धर्म के चश्मे से मोदी विरोधी देख रहे हैं। जब राम मंदिर निर्माण के बाद वो बटन दबाने जाएंगे, तो क्या वोटर राम को भूल पाएंगे, क्योंकि राम जाति और धर्म के परे। रामलला का जलाभिषेक विश्व की 156 पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। इसके लिए ईरान से मुस्लिम महिला ने जल भेजा है, पाकिस्तान ने रावी नदी का जल भेजा है, सऊदी अरब, दुबई और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने अपने देशों की पवित्र नदियों का जल भेजा है। बाबर जहां पैदा हुआ, उस उज़्बेकिस्तान ने भी पवित्र नदी का जल भेजा है। कश्मीर के मुसलमानों ने 2 किलो ऑर्गेनिक केसर भेजी, जो राम को भोग लगाने के लिए बनाने वाले 56 भोग में इस्तेमाल हो। मेरे पास में कश्मीर के कुछ मुस्लिम भाई बहन आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा मजहब तो इस्लाम है, पर राम हमारे भी पुरखा हैं। हमने मजहब बदला है, पर पुरखे नहीं बदले, और राम जी का जीवन
हम सब के लिए आदर्श है, हम उसके हिसाब से मर्यादा से चलना चाहते हैं, और इसलिए कश्मीर की ये केसर, 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, उन्होंने रामलला की सेवा में मुझे भेजी है। और मुझे अफगानिस्तान से कुछ बंधु आए थे, और अफगानिस्तान की पवित्र नदियों का जल उन्होंने रामलला के अभिषेक के लिए भेजा है। ये जो चादर है, ये 10 दिन में 10 लोग मिलकर तैयार करते हैं, और इस पर उन्होंने राम मंदिर का चित्र बनाया है, राम जी का बनाया है, ये भी उन्होंने रामलला जी की सेवा के लिए भेजी है। हिंदी पट्टी के राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां राम लहर पूरी तरह से फैल चुकी। मध्य प्रदेश में 11,000 राम भक्तों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 91% वोटर हिंदू हैं और 8% मुसलमान हैं। एमपी में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नहीं, उसे सिर्फ छिंदवाड़ा में कमलनाथ का किला ढहाना है, जो राम लहर में असंभव नहीं दिखता। राम मंदिर के बाद अखंड भारत के हुंकार लगाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 के लिए बड़ा मैसेज दे दिया। उल्टी घड़ी चालू हुई है, उल्टा कैलेंडर चालू हुआ है, और हम सबके लिए भारत का सुशासन का, राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 90-92 के समय से जो एक संघर्ष 30-32 साल का रहा अभी का, और वैसे तो 500 साल से कई पीढ़ियां हमारी इसी बात के लिए खप गई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटकता था, उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, और सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने, हमारी सबकी कामना। परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो। चौबीस में महाराष्ट्र पर भी मोदी का बड़ा दांव लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्य में 80% हिंदू हैं और 11.54% मुसलमान हैं। 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। 24 में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार गुट के साथ मिलकर 48 सीटें जीतना चाहती, लेकिन क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, वो कैसे? ये चीजें देखता हूँ। महाराष्ट्र में मोदी जब राम का नाम लेकर रो पड़े तो सबसे पहले मुस्लिम के घर गए। इस घर में लिखे नेम प्लेट पर गौर कीजिएगा, क्या लिखा है? अमीना रब्बानी शेख। मोदी ने अमीना का पूरा घर देखा और खुशी से आंसू छलक आए। अयोध्या में उठी राम लहर और गरीब कल्याण से उठी मोदी लहर का असर बाकी राज्यों में कैसे असर दिखाएगा, इसे भी समझ लेते हैं। बिहार में 40 सीटें जहां 81% हिंदू हैं और करीब 18% मुसलमान हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं जहां हिंदू आबादी करीब 68% है, मुस्लिम आबादी 14.53% और ईसाई 4.30% है। दोनों ही राज्यों में मोदी विरोधी सरकारें हैं। सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। राम लहर में मोदी बड़े आराम से 19 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और विरोधी ताकते रह जाएंगे। राजस्थान में 25 सीटें, 87% हिंदू है। गुजरात में 26 सीट, 89% हिंदू है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट, 93% हिंदू है।
हरियाणा में 10 सीट, 88% हिंदू, दिल्ली में 7 सीट और 81% हिंदू, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट, 95% हिंदू। 2019 में इन 5 राज्यों की 83 सीटों बीजेपी ने 80 सीटें जीती। राम लहर में 83 की 83 सीटें जीतने से रोकना मोदी विरोधियों के लिए मुश्किल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राम लहर को भांप लिया और यूटर्न लेते हुए राम राम जपना शुरू कर दिए। केजरीवाल ने रामलीला का पोस्टर भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अब लोग केजरीवाल को उनका पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने नानी का प्रसंग बताते हुए कहा था, उनके राम मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकते। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। बीजेपी सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को घुमाकर केजरीवाल से अचानक हृदय परिवर्तन का कारण पूछ रही। राम लहर में केजरीवाल को दिल्ली के अलावा पंजाब में भी हार का डर सता रहा है। भगवान राम को भोग लगाने के लिए चंडीगढ़ से 150 क्विंटल स्पेशल लड्डू भेजे गए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, 2019 में कांग्रेस ने 8, बीजेपी ने 2, अकाली दल ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीटें जीती थी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस भी रंग बदल रही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग राम मंदिर बनाने की खुशी में पूरे इलाके में लड्डू बांट रहे। हैदराबाद भड़काऊ भाईजान ओवैसी का शहर, वहां राम विरोधी हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स का एक अलग लेवल। लेकिन 1265 किलो के स्पेशल लड्डू को हैदराबाद के नागभूषण रेड्डी लेकर अयोध्या आए। इसे 30 लोगों ने तैयार किया और 4 घंटे इसे बनाने में लगे। नागभूषण रेड्डी ओवैसी के शहर में श्रीराम कैटरिंग नाम से दुकान चलाते। वो हर रोज एक लड्डू भगवान राम के लिए रखते। तेलंगाना में राम विरोधी राजनीति करने वालों को ये राम रथ भी देख लेना चाहिए। इसे 10 मुस्लिम कारीगरों ने हिंदुओं के साथ मिलकर बनाया है। इसे पूरे तेलंगाना में घुमाया जा रहा है ताकि जो लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को नहीं देख सकते, वो राम मंदिर को अपने यहाँ ही देख सके। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले नरेंद्र मोदी पूरे साउथ के मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं। जहां जहां से राम का कनेक्शन है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी मंदिर से की, फिर केरल के त्रिपायर मंदिर गए, अब तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में अनुष्ठान किया और अंदल नाम के हाथी को गुड़ भी खिलाया। इसके बाद रामेश्वरम के अग्रित तीर्थम में डुबकी लगाई, फिर रामेश्वरम मंदिर में पूजा की। इस तरह प्रधानमंत्री ने पूरे साउथ को राम से जोड़ दिया है। साउथ के 5 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु समेत 131 सीटें। 2019 में बीजेपी ने साउथ के राज्यों में 30 सीटें जीती थी, लेकिन 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में खाता तक नहीं खुला था। राम लहर में इस बार बीजेपी साउथ में सरप्राइज कर सकती। दे हैव टू नो दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि साउथ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को, ऐसा नहीं है, नहीं है उनको डेफिनेटली। एंड आप सरप्राइज मत होना, अगर हमारे बीजेपी साउथ में भी आ जाए तो नथिंग टू गेट सरप्राइज, इट कैन हैपन बिकॉज the way people love him, you know, I can see that. I know, I meet so many people in my Tamil Nadu also. There are party wale rajniti karenge, alag alag party ke log, otherwise general public are so much fond of him.